हेलो क्लास एट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर कंप्यूटर लेक्चर। दिस इज़ योर लेक्चर टू ऑफ फोटोशॉप अंडरस्टैंडिंग लेयर्स एंड फिल्टर्स, विच इज़ योर चैप्टर 5। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्शंस फॉर अ लेयर, विच इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ओपेसिटी। ओपेसिटी के बाद का जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑप्शंस फॉर अ लेयर्स। फोटोशॉप प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वेज टू लेट यू ब्लाइंड अ लेयर विद द बैकग्राउंड लेयर एंड अदर लेयर्स। फोटोशॉप में आपको प्रोवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वेज ऑफ ब्लाइंड लेयर्स, क्या आप लेयर्स को ब्लाइंड कर सकते हैं विद द बैकग्राउंड लेयर, उसके बैकग्राउंड लेयर के साथ कैसे कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस दीज ऑप्शंस थ्रू द लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स। आप लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स से इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर मैनी ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यू कैन व्यू देम बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लेंडिंग मोड्स बटन इन द लेयर्स पैटल। अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, देयर आर मैनी ब्लेंडिंग ऑप्शन, आपके पास बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं जो आप देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लेंडिंग मोड बटन। जब आप ब्लेंडिंग मोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो होंगे इन द लेयर पेटल्स। लेयर पेटल्स में लेट अस अप्लाई द ब्लेंडिंग ऑप्शन। हम ब्लेंडिंग ऑप्शन को कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट लेयर इन द लेयर्स पैटल, क्लिक ऑन द ब्लेंडिंग मोड्स एरो बटन। अब आपको क्या करना है, लेयर सेलेक्ट करनी है इन द लेयर्स पैटल। लेयर्स पैटल पे आपको सेलेक्ट करनी होगी लेयर, क्लिक ऑन द ब्लेंडिंग मोड एरो बटन। फिर आपको ब्लेंडिंग मोड एरो बटन पे क्लिक करना होगा। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स अपेयर। फिर क्या होगा, जो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलेगी ब्लेंडिंग मोड लिस्ट की, जो अभी आपको अपेयर होगी इस तरीके से। ये आपको ड्रॉप डाउन की लिस्ट यहाँ पे यहाँ शो हो रही है। नाउ फ्रॉम द द इमेज इन लेयर विल टर्न इनटू अ स्क्रीन एंड द बैकग्राउंड विल बिकम विजिबल थ्रू इट। इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज लेयर होगी, लेयर के अंदर जो आपकी इमेज होगी विल टर्न इनटू अ स्क्रीन, वो एक स्क्रीन पे टर्न स्क्रीन पर आ जाएगी, स्क्रीन की जैसे टर्न हो जाएगी एंड द बैकग्राउंड विल बिकम विजिबल थ्रू इट, और उससे आपका जो बैकग्राउंड होगा वो भी विजिबल हो जाएगा। सेव द इमेज एंड चूज द इमेज फाइल। आपको क्या करना है, सेव करनी है इमेज को और चूज करनी है इमेज फाइल को, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये इमेज ब्लेंड हो जाएंगी जिस भी तरीके से आपको चाहिए कलर में। नाउ रिमेंबर क्या करना है आपको, यू कैन ऑल्सो ओपन द लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स थ्रू द लेयर्स पेटल्स मेन्यू बाय क्लिकिंग एट द लेयर स्टाइल ऑप्शंस एंड देन सेलेक्टिंग ब्लेंडिंग ऑप्शंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेयर स्टाइल्स को, एंड इन द डायलॉग बॉक्स दैट ओपन सेलेक्ट द ऑप्शंस एंड क्लिक ओके। आपको डायलॉग बॉक्स इस तरीके का लेयर, जैसे ही आप लेयर स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेयर्स में से, वैसे ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। इसके अंदर आपको अगर जब ब्लेंड करना है तो आपको ब्लेंड ऑप्शन यहाँ पे ये कस्टम दिया गया है, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका ये विंडो ओपन होगा। इसमें आपको ओपेसिटी कितनी रखनी है वो आपको परसेंट डालनी होगी, चैनल कौन कौन से रखने हैं आपको, और आपको क्या क्या ब्लेंड करना है आप उनको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन क्लिक ऑन द, जब आपकी पूरा प्रोसेस कर देंगे आपके, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ओके पे। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू लेयर फ्रॉम अ सेलेक्शन। यू कैन मेक अ सेलेक्शंस एंड क्रिएट न्यू लेयर्स आउट ऑफ द सेलेक्शन यूजिंग द कॉमन लेयर विया कॉपी एंड लेयर विया कट। अब आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्शन एंड क्रिएट अ न्यू लेयर, न्यू लेयर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं आउट ऑफ द सेलेक्शन यूजिंग द कॉमन लेयर विया कॉपी। क्या जो भी आपने विया कॉपी है आपकी कॉमन, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड लेयर विया कट लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ दिस कमांड, कि अब आपको ये लर्न करेंगे कि आप किस तरीके से उन कमांड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप 1 आएगा, सेलेक्ट द एरिया फ्रॉम विच यू वॉन्ट टू क्रिएट द न्यू लेयर, कि आपको एक एरिया को सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आपको उस न्यू लेयर को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे सेलेक्ट करना, क्रिएट करना है न्यू लेयर को। स्टेप 2, ओपन द लेयर मेनू, पॉइंट टू न्यू एंड सेलेक्ट लेयर विया कॉपी टू कॉपी द सेलेक्शंस न्यू लेयर। अब आपको क्या करना है, लेयर मेन्यू पे जाना है और उसको ओपन करना है, पॉइंट टू न्यू, फिर एक न्यू ऑप्शन आएगा न्यू क्रिएट पे, आपको उस पर क्लिक करना होगा उस पॉइंट को,
जो सेलेक्ट लेयर वी आर कॉपी, जो आपको कॉपी करनी है टू कॉपी द सेलेक्शंस न्यू लेयर, जो भी आपको न्यू लेयर को सेलेक्ट करना है. यू कैन सी द न्यू लेयर बींग एडेड इन द इमेज. अब आप देख सकते हैं कि आपकी एक न्यू लेयर सेलेक्ट हो गई है एज वेल एज इन द पैलेट. स्टेप थ्री, सेलेक्ट द मूव टूल एंड यूज़ इट टू द पोजिशंस द न्यू लेयर एज रिक्वायर्ड. अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है मूव टूल को एंड यूज़ इट पोजिशन द न्यू लेयर एज रिक्वायर्ड. जैसे भी आपको न्यू लेयर रिक्वायर्ड है आपको वो पोजिशन सेलेक्ट करनी होगी. स्टेप फोर, सेव द इमेज फाइल. अब आपको क्या करना है, इमेज फाइल को सेव करना है. ओपन सम अदर इमेज फाइल एंड रिपीट द अबव प्रोसीजर टू क्रिएट अ ट्विन और कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट. अब आपको क्या करना है, ओपन करना है अदर इमेज फाइल को एंड रिपीट द अबव प्रोसीजर, और इसी प्रोसीजर को आपको बार बार रिपीट करना है. क्रिएट अ ट्विन और कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है या फिर उसकी ट्विन बनानी है, डबल करना है, तो आपको इन स्टेप को रिपीट करना होगा. इन द सेम वे यू कैन कट द सेलेक्टेड पोजिशन एंड पेस्ट द कंटेंट ऑन द न्यू लेयर्स यूजिंग लेयर विया कट ऑप्शन. अब आपको क्या करना है, इन द सेम वे, इसी वे में, इफ़ यू वॉन्ट टू कट द सेलेक्टेड पोर्शन, सेलेक्टेड पोर्शन को अगर आपको कट करना है तो आप उसको कट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं कंटेंट ऑन न्यू लेयर. एक न्यू लेयर बना के उसको पेस्ट भी कर सकते हैं यूजिंग द लेयर विया कट ऑप्शंस. ये जैसे आप पहले लेयर पे जाएंगे, लेयर के बाद आप न्यू सेलेक्ट करेंगे, न्यू सेलेक्ट के बाद आप लेयर विया कॉपी को सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इमेज उसमें लेयर ऐड करनी है तो. अंडरस्टैंडिंग लेयर थ्रू इमेज, ठीक है, इस तरीके से फाइनल इमेज आपको शो हो जाएगी. नाउ लेयर्स यूज्ड, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है जो आपने क्रिएट किए हैं, अब इनको यूज़ करेंगे. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोशॉप फिल्टर्स. फोटोशॉप मोस्ट पावरफुल फीचर्स इज इट्स फिल्टर्स. अब क्या कहें, फोटोशॉप एक बहुत पावरफुल फीचर है आपके फिल्टर्स का. वैन यूज्ड प्रॉपरली, जब आप इसको प्रॉपरली यूज्ड करेंगे, देन कैन रिक्रिएट नंबर ऑफ फोटोग्राफिक एंड आर्टिस्ट इफेक्ट. तो आप इसके अंदर बहुत सारे रिक्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोग्राफी बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं एंड आर्टिस्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर. कैन इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ योर इमेज. अब ये क्या करता है, आपकी इमेज क्वालिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है एंड कैन इवन डिस्टॉर्ट देम इन वेज, और उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, विच वुड अदरवाइज बी वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. पर यह बहुत जल्दी वरना ये आपके बहुत टाइम कंज्यूम कर सकता है, टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा आपको इसके अंदर. ईच फिल्टर प्रोड्यूसेस इट्स ऑन यूनिक इफेक्ट. हर एक फिल्टर का एक यूनिक इफेक्ट होता है विच यू कैन एडजस्ट एंड मैनिपुलेट बिफोर द अप्लाइड. जो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं उसको अप्लाइड करने से पहले. ऑल्सो अ फिल्टर मे बी अप्लाइड इवन आफ्टर अनदर हैज़ बीन यूज्ड. इवन क्या, अगर आप किसी फिल्टर का यूज़ करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं. With the end reason being a combination of two filters used, आप टू फिल्टर्स को यूज का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. सम कॉमनली यूज फिल्टर, जो कॉमनली यूज फिल्टर्स होते हैं वो होती हैं आर्टिस्टिक फिल्टर. ये फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं, दिस सेट ऑफ फिल्टर्स इंक्लूड्स कलर्ड पेंसिल पेंट डॉट्स स्मग साइड से वाटर कलर. ये सब कलर पेंट करने के लिए यूज़ करने के लिए किया जाता है, पेंसिल कलर पेंट. ये सब अगर आप फिल्टर्स में यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग विद दिस लेटर विल मेक योर इमेज लाइक इट वॉज क्रिएटेड बाई एन आर्टिस्ट. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोशॉप फिल्टर्स. ये आपका हो गया था. नेक्स्ट इज डिस्टॉर्ट फिल्टर्स. अभी डिस्टॉर्ट फिल्टर्स किस लिए यूज़ करते हैं, अनदर सेट ऑफ फिल्टर्स सेट योर डिस्टॉर्ट योर इमेज टू क्रिएटिव वेज. द टेक्सचर फिल्टर डिस्टॉर्ट फिल्टर्स इंक्लूड ओशन पीपल्स ग्लास सुपरसाइज ट्रेल्स वेव्स एंड जिगजैग्स. टेक्सचर फिल्टर्स वन ऑफ द मोर पॉपुलर सेट ऑफ फिल्टर्स इन फोटोशॉप इन द टेक्सचर ग्रुप एंड अलाउ यू टू मैनिपुलेट योर इमेज बाय एडिंग टेक्सचर टू इट इंक्लूड ग्रेन स्ट्रेंड्स ग्लासेस एंड पैच वर्क्स. तो आप इसमें पैच वर्क्स भी कर सकते हैं फिल्टर्स में, यानी कि ये बहुत अच्छा फिल्टर होता है जो आप अपने इमेजेस पे यूज़ कर सकते हैं.
स्टेलाइज फिल्टर्स, अब स्टेलाइज भी कर सकते हैं। अनादर पॉपुलर सेट ऑफ फिल्टर्स इज कॉल्ड द स्टेलाइज स्टाइलाइज ग्रुप। इट इज़ अलाउ यूजर टू स्टेलाइज देयर इमेज बाय एम्बोसिंग, डिफ्यूजिंग, एक्सट्रडिंग, सोलराइजिंग, फाइंडिंग द एजेस एंड द फ्यू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन। अब इन ऑप्शन को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं अपने इमेजेस पे। स्क्रेच फिल्टर, दिस स्क्रेच ग्रुप ऑफ फिल्टर्स मेक योर इमेज अपेयर टू बी क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट। आप इस तरीके से भी क्रिएट का फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं स्क्रेच का। जैसे ही आर्टिस्ट एक स्क्रेच का यूज़ करता है, सॉरी स्केच का यूज़ करता है, तो आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्केच फिल्टर्स को, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आर्टिस्ट ने स्केच किया हो। इट इंक्लूड्स चाक और लोग्राफिक पेंस, प्लास्टर्स, स्टैम्प, वाटर पेपर, ये सब तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अप्लाइंग फिल्टर्स फ्रॉम द फिल्टर मेनू, अब कैसे फिल्टर्स कर सकते हैं आप। यूजिंग अ फिल्टर इज़ एज सिंपल एज ग्रोइंग टू द फिल्टर मेनू एंड चूजिंग वन ऑफ यू वॉन्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं एज सिंपल और गोइंग टू द फिल्टर मेनू पर जा करके एंड चूज़ वन ऑफ यू वॉन्ट, और जो भी आप चाहते हैं इसको यूज़ करना वो आप भी उसको चूज़ कर सकते हैं। सम फिल्टर्स विल अपेयर इंस्टेंटली वाइल अदर विल प्रेजेंट यू एंड सम ऑप्शंस फर्स्ट। अब क्या कर सकते हैं आप फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं विद अप्लाइंग इंस्टेंटली आपको अप्लाई करना है। विद अदर्स विल प्रेजेंट यू विद सम अदर ऑप्शंस फर्स्ट। हेयर आर सम टिप्स फॉर यूजिंग फिल्टर, इस फिल्टर को आप कैसे यूज़ करेंगे। यूजिंग द फिल्टर गैलरी में जाएंगे आप विद दिस टूल, इस टूल के साथ यू कैन क्विकली प्रीव्यू हाउ अ फिल्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर्स विल लुक विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग एनी ऑफ देम ऑफ योर इमेज। इस फिल्टर से आप ये देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी इमेज पे फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो फिल्टर अप्लाई होने से पहले ही आप वो फिल्टर होने के बाद उसका कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा वो आप सैम्पल देख सकते हैं। While most filters may be accessed in the filters only by applying by choosing them from the filter menu. अब क्या कर सकते हैं आप, While most filters may be accessed in the filter, filters में filter gallery में बहुत सारे filters exist करते हैं। You will notice that some of not there, कि आप ये notice कर सकते हैं कुछ filters उसमें show नहीं होते हैं, some of not there, ठीक है। Those filters can only be applied by choosing them. कुछ फ़िल्टर ऐसे होते हैं जिनको फ़िल्टर मेनू से ही आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। Let us learn how to apply filters using filter gallery. फ़िल्टर गैलरी से आप कैसे चूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर्स को वो पढ़ेंगे। Open the image to be filtered, select filter menu and choose the filter gallery option. आपको क्या करना है, इमेज ओपन करनी है इमेज को जो आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, फिर उस सेलेक्टेड फ़िल्टर मेनू पर जाके आप चूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी ऑप्शन को। The image will open in the filter gallery. Filter gallery में आपकी image open हो जाएगी। Some detail on the different part of the filters gallery window and what they do. कि वो कहाँ पर कैसे उसका कौन सा part display होगा filter करना है जो आपको filter window पर आपको show हो जाएगी। इस तरीके से आपको अगर filter करना है तो आपके filter करने के लिए क्या क्या use में आएंगे filters आप वो देख सकते हैं। Now real time preview, कि real time preview कैसे देख सकते हैं आप उसका। शोज व्हाट द लिस्ट ऑफ फिल्टर्स विल लुक लाइक योर इमेज, कि आप ये शो कर सकते हैं कि कौन सी लिस्ट फिल्टर की आप लुक लाइक एन इमेज की योर, आपकी जो इमेज फिल्टर से कैसे दिखेगी आप वो शो कर सकते हैं प्रीव्यू से। यू कैन यूज़ द कंट्रोल्स इन द लोअर लिस्ट ऑफ मेक द प्रीव्यू लार्जर और स्मॉलर, कि आपकी जो इमेज है वो लोअर दिखेगी लार्जर दिखेगी, ये सब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रीव्यू में। अवेलेबल फिल्टर, फिल्टर्स कौन कौन से अवेलेबल होंगे। क्लिक द ट्राइंगल नेक्स्ट टू द ईच फोल्डर आइकन टू एक्सट्रैक्ट द फोल्डर्स एंड रिवल द फिल्टर्स इनसाइड। क्लिक द ट्राइंगल नेक्स्ट टू द ईच, अगर हर एक फोल्डर के बाद आप ट्राइंगल कैसे नेक्स्ट जो होगा आपका उस पर क्लिक करेंगे आइकन टू द एक्सपेंड द फोल्डर, ताकि वो फोल्डर में एक्सपेक्ट हो जाए रिवल एंड फिल्टर इनसाइड, जितने भी फिल्टर्स है उसके अंदर। फिल्टर ऑप्शंस, यू कैन कंट्रोल द सेटिंग ऑफ ईच फिल्टर यू आर यूजिंग हेयर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, हर एक फिल्टर को आप सेटिंग्स में जाके कंट्रोल कर सकते हैं जैसे भी आपको फिल्टर यूज़ करना हो। वॉट एवर फिल्टर इज सेलेक्टेड इन द लिस्ट इज द वन ऑफ यू कैन एडजस्ट हेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी फिल्टर सेलेक्ट करना है लिस्ट के अंदर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं।
लिस्ट ऑफ फिल्टर्स, और फिल्टर्स की लिस्ट कैसे करेंगे आप? यूज़ दिस लिस्ट टू कंट्रोल ईच ईच विच फिल्टर यू आर अप्लाइंग. अब जिस भी फिल्टर का अप्लाई करना चाहते हैं उस लिस्ट में से उसको कंट्रोल, उस फिल्टर को चूज करके कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इट वॉट ड्रैग द फिल्टर अप और डाउन, उसको अप डाउन भी लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं. बहुत सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे आपको, तो आप उसमें भी देख सकते हैं. द आई आइकन वॉन्ट्स टू हाइड द फिल्टर्स इफेक्ट इन द लिस्ट. लिस्ट के अंदर अगर आप हाई आइकन को चूज करते हैं तो वो फिल्टर्स इफेक्ट को हाइड कर देगा. द एंड क्लिक इट अगेन टू शो द इफेक्ट्स. और अगर आप वापस उसको क्लिक करेंगे तो उसके इफेक्ट्स को आप शो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. क्लिक द ट्रैश आइकन एट द बॉटम टू रिमूव द सेलेक्टेड फिल्टर्स फ्रॉम द लिस्ट. अगर लिस्ट में से आप कुछ फिल्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उस फिल्टर को सेलेक्ट करेंगे, तो उसका रिमूव करने के लिए वो ट्रैश आइकन हो जाएगा आपका. एंड और टू क्लिक द पेज आइकन एट द बॉटम टू एड अनदर फिल्टर ऑन द लिस्ट. और लिस्ट में अगर आपको फिर से और क्या अनदर दूसरा कोई फिल्टर यूज़ करना है तो बॉटम से उस आइकन को आप ऐड भी कर सकते हैं. हियर सिंपली सेलेक्ट द फिल्टर एंड अप्लाई इट. यहाँ पे कुछ आपके सैम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपने अप्लाई किया है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 5 एंड हियर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू.